दोस्तों आज के समय में अगर देखा जाएगा तो यूएन की स्थायी सदस्यता को देने के लिए दुनिया के देश भारत को राजी है, लेकिन अगर बात वीटो पावर की जाए तो वीटो पावर देने के लिए कोई भी देश अभी ठीक तरीके से राजी नहीं है। हाँ, गिने चुने कुछ देशों की अगर बात करें जैसे रशिया, फ्रांस जैसे देश तो भारत के साथ पहले से ही खड़े थे, अब ये देश भारत को वीटो पावर देने के लिए भी राजी है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा दोस्त कहा जाने वाला अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए बिल्कुल राजी हो चुका है, लेकिन वीटो पावर के लिए अभी अमेरिका ने हाँ नहीं भरी है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, तो यहाँ पे अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी एक खबर निकल के आई है कि अमेरिका ने भारत की जासूसी की है और इस जासूसी की वजह से भारत काफी ज्यादा नाराज भी हो चुका है। और वैसे भी दोस्तों देखा जाएगा तो अमेरिका सिर्फ पैसों से ही दोस्ती करता है, अब ऐसे में अमेरिका को पता लगा कि भारत से उसको फायदा होगा तो इस वजह से भारत से वो दोस्ती कर रहा है। अदरवाइज एक समय ऐसा भी आएगा जब चाइना की तरह ही अमेरिका भारत को भी छोड़ देगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने भारत की जासूसी क्या की है और इसको लेकर भारत इतना ज्यादा नाराज क्यों है। दोस्तों अमेरिका के एक सोल्जर की तरफ से एक रिपोर्ट लीक कर दी गई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी की और रूसी एनएसए की उसकी जासूसी की है। अब ऐसे में दोस्तों भारत के साथ साथ अमेरिका ने ब्रिटेन, ब्राजील, पाकिस्तान सहित कई सारे देशों की भी जासूसी की है, लेकिन दोस्तों भारत की जासूसी के बाद भारत काफी ज्यादा नाराज भी हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो जो बातचीत हुई थी अजीत डोभाल जी की और रूसी एनएसए की, उसमें अजीत डोभाल जी ने ये सीधा कहा था कि हम रशिया के साथ खुलकर खड़े हैं, हम किसी भी देश के दबाव में आकर बिल्कुल रूस का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। अब ऐसे में पश्चिमी देशों का दबाव भारत के ऊपर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत रशिया के साथ खड़ा रहेगा। और दोस्तों इन सब बातों को अगर देखा जाएगा तो अमेरिका खुद ही ये नहीं चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिल सके और भारत दुनिया के सभी देशों से बराबर बैलेंस बना के रखे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि कैसे भी करके भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के फेवर में आ जाए, वो रशिया और चाइना के फेवर में बिल्कुल भी न रहे। हालांकि दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि आज के समय में एशिया महाद्वीप में रशिया और चाइना के साथ अगर भारत खड़ा हो जाता है तो भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अमेरिका जैसे देश भारत के आगे बहुत ही ज्यादा छोटे पड़ जाएंगे। इसी वजह से अमेरिका बहुत ही ज्यादा डर रहा है और भारत का समर्थन कर रहा है, और इस बीच अगर भारत फायदा उठा पाता है तो भारत को वीटो पावर और स्थायी सदस्यता भी धीरे धीरे करके अमेरिका ही दिला देगा। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमें अमेरिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए।